पानी आया, नहीं तो इतना ही पानी लेना है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले श्री तुलसी हमारा खोलिए, इसको गीन करके चार बूंद डाल दीजिए इसमें। चार बूंद डालिए इसमें, भोजन हम दिखाएंगे कि ये जो खाएंगे इसको पिएंगे क्या फायदा, हम भी पिएंगे भी दोनों देखेंगे, ठीक है देखिएगा। अब इसको जरा खोलिए, इसको आधा ढक कर लीजिए, इसका आधा ढक्कन, डाल दीजिए ठीक, लगा दीजिए ढक्कन। अब इस रख दीजिए, अब इसको आप पकड़ लीजिए। अभी इसमें दो चीज हमने डाला, क्या डाला, क्या डाला, और एक हमारे पास हिमालयन मिल गया, इसको खोलते हैं। ये क्या है अभी हम बताएंगे, ये है पावर हाउस, क्या है सर, जैसे अभी लाइन नहीं है, लाइन कहाँ से आता है, पावर हाउस, तो पावर हाउस अभी ऑफ करके लाइन नहीं आ रहा है, तो हमारा बॉडी का पावर हाउस हमारा पेट है, ध्यान दीजिएगा सर। लोग बोलते हैं सर एडी दर्द दे रहा है, घुटना दर्द, अभी आते थे एक पेशेंट को देख के आ रहे हैं, गए वहाँ तो बोले हम सब बात मानते हैं आपका, मेरा अगर 15 किलो वजन घट गया तो आप जो कहिएगा सो करेंगे। हम बोले देखिए सर ये सब शर्त वाला इलाज होता है, कचहरी में नहीं होता है, ताली बजाओ बच्चों दो दो, ये सब अंदर की सफाई करेंगे वजन घटेगा आपका, और यही चीज किया मैंने, यही हिमालयन करके, ये पावर हाउस है, इसमें विटामिन सी, आज पूरा दुनिया बोल रहा है विटामिन सी खाने के लिए, कोरोना के डर से बोल रहा है कि विटामिन सी खाओ नहीं तो कोरोना जल्दी धर लेगा, जितना आदमी कोरोना हुआ था उसको विटामिन सी की गोली खिला के ठीक किया गया, और फिर WHO क्या बोला, हल्दी खाओ, विटामिन सी खाओ, नींबू पानी पियो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, तो नींबू से 20 गुना ज्यादा आंवला में विटामिन सी होता है, और आंवला से भी 20 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी होता है, मतलब नींबू से 40 गुना ज्यादा है, एक बार जोरदार ताली से। और ये कोई नया चीज नहीं है, ये आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग मोबाइल चला रहे हैं, गूगल में सर्च कर लीजिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सी बकथॉर्न, हम लिख देंगे बोर्ड में, आप लोग उसको सर्च कीजिएगा, इसको बोलते हैं पावर हाउस, ये विटामिन सी का इतना बड़ा स्रोत है। कहते हैं रामायण का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कहानी पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी को जब बाण लगा था तो संजीवनी गुटी का जो पहाड़ लाने के लिए बोला गया था बजरंगबली को, इसी को संजीवनी कहा जाता है, ये लेह लद्दाख में पाया जाता है, और -45 डिग्री में ये फल होता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है। तो हम लोगों का अगर शरीर में ऑक्सीजन का कम हो जाए तो हम लोग हाँपने लगते हैं कि नहीं लगते हैं, चलते थक जाते हैं कि थक जाते हैं, सीढ़ी चढ़ते थक जाते हैं कि थक जाते हैं, डॉक्टर पास जाते डॉक्टर साहब दम फूल रहा है तो डॉक्टर साहब ऊपर से दम देते हैं, ऑक्सीजन लगा देते हैं, नहीं होता वेंटिलेटर लगाते हैं, दम ऊपर से लगाया जाता है, कुछ नहीं करना है। हिमालयन बेरी जो इंसान पिएंगे, महिला हो पुरुष हो बच्चा हो बड़ा हो, उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हाई रहेगा, विटामिन सी इतनी बरकरार रहेगी कि आपका इम्यूनिटी तगड़ा रहेगा, कोरोना जैसा वायरस आपके शरीर का बाल भाका नहीं करेगा। अभी हम चेक करेंगे इसे, तो एक बार जोरदार ताली, ठीक है, तो ये अच्छा नींबू कैसा लगता है, टेस्ट खट्टा लगता है, खट्टा लगता है, आंवला भी खट्टा लगता है, आंवला जब खाइएगा तो खट्टा लगता है, तो जितना भी खट्टा चीज है उसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए महिलाओं को गुपचुप ज्यादा पसंद आता है, इमली आंवला में मिलता है, तो जितना खट्टा फल है संतरा हो गया मौसमी हो सब विटामिन सी है, सबों से इसमें 40 गुना ज्यादा है, ज्यादा खट्टा लगे है ना, कोई टेस्ट करना चाहते कर सकते हैं। इसको हमने डाला लगभग 15 ml, देखिए कितना डाल रहे हैं इसमें, 15 ml हिमालयन बेरी और 15 ml एलोवेरा और 4 से 5 बूंद तुलसी डाल दिया इसमें, ठीक है डाल दिया। अब करना क्या है, अब देखिएगा ये जितना पी पाएंगे पिएंगे, इसमें जो बचेगा मैं पी जाऊं, ठीक है, और दोनों भाई लोग कुश्ती लड़ेंगे, देखते फोन किसको पहले, ये पिएंगे फिर मैं इनको इनसे लड़ूंगा, फिर जो बचेगा मैं पीऊंगा, फिर इनसे लड़ूंगा, ये काम करेंगे। और चैलेंज करता हूं यदि आप लोगों में से कोई व्यक्ति इनको गिरा देंगे तो भरपेट रसगुल्ला मेरी तरफ, ये पहला बार 3 साल में आपके एरिया में मैं कर रहा हूँ, क्यों मालूम है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे इतने देर से खड़े थे, इसलिए हमको भी मैंने बना कि हम कुछ अलग हटके करके जाए, कभी देखे आज देखेंगे आप लोग। अब सुनिए इसकी कहानी, अनिल जी आप मोबाइल कितना देर यूज करते हैं,
सुबह दोपहर रात 3 घंटा खुद देखते रहते हैं मोबाइल, सब लोग देखते हैं मोबाइल के बिना रह नहीं आता। व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, जब फिर यहाँ से निकलेंगे फटाफट देखेंगे और हम लोग फोटो वीडियो डालेंगे आप लोग फिर देखिएगा। आप लोग सब लोग व्हाट्सएप नंबर बता दीजिएगा आज का वीडियो डाल देंगे, बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी भाषा में बोले हैं वो और ये अपनी भाषा में रिएक्शन देंगे। अभी आप लोग के सामने मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग जानते हैं कि मोबाइल यूज करने से क्या होता है, बताइए। हानि होता है। यस, क्यों हानि होता है? तरंग निकलता है, रेडिएशन निकलता है और वो रेडिएशन आपको हानि देता है। आप पॉकेट में रखिए या जहां रखिए वो हानि देता है। जो ऑन करते हैं टावर पकड़ लेता है इनको, इसका मतलब टावर हमारे आसपास है, हवा में है। जो ही ऑन करते हैं ब्रेन को मैसेज जाता है, उसी प्रकार मोबाइल को मैसेज जाता है, फटाफट मैसेज आने लगता है, होता नहीं होता है। क्या कर रहा है वो रेडिएशन? आपके ब्रेन को कमजोर कर रहा है, शरीर को कमजोर कर रहा है और कैंसर का सबसे बड़ा कारण आज मोबाइल का टावर ही है। लेकिन आज ये मजबूरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। हम आपको बोलेंगे मोबाइल छोड़ दो, आप छोड़ेंगे क्या? लेकिन अगर आप मोबाइल से हानि हो रहा है, अगर पेट फट गया तो सिलाई करने बोलेंगे जरूर सिलाई कर लीजिएगा, बदलने बोलेंगे तो शायद पॉकेट अलाउ नहीं करेगा कि 10,000 का मोबाइल डॉक्टर साहब बोल रहे बदल दो, गजब आदमी आप बदल पाते हैं क्या? लेकिन अगर हम बोल दिए एक मोबाइल अगर रख रहे हैं और उसमें अगर 10 रुपया का ये प्रोडक्ट खाएंगे तो मोबाइल का बाप भी आपके शरीर का बाल बांका नहीं करता, आप जरूर कर सकते हैं। तो अभी जो मोबाइल आपका ऑन है जरा देखिए, जरा देख लेंगे, मोबाइल ऑन टावर कैसा कैसे रख लीजिए पॉकेट में। कोई घंटी उंटी अभी तक किया है? नहीं किया है, अभी हम लोग घंटी करेंगे। नंबर आपका इनका नंबर किन्हीं के पास है? आपके पास है, तैयार रहिए। हम ये दिखाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि मोबाइल जब पॉकेट में है तो कितना हानि करता है और जब ये प्रोडक्ट जाता है तो कितना हानि कितना फायदा करता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट को आप लोग के सामने रखें, इस प्रोडक्ट को यहाँ रखें, जरा इनको घंटी कर दीजिए। कौन जिनके पास मोबाइल नंबर है इनका? घंटी ठीक है, साइलेंट साइलेंट के, हाँ साइलेंट को घंटी बजा के नहीं देखिए ना, घंटी बज गया ना, घंटी आ गई, बस छोड़ दीजिए। अब हो गया काम, उसको उठाइए मत, उसको रख लीजिए पॉकेट में रख लीजिए। इतने में तो इनका काम तमाम हो गया। घंटी जैसे बजा आपका बॉडी का पूरा ताकत चला गया, कैसे जरा सा और आगे आ जाइए, बस 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 यही रहिए। दोनों पैर सटा दीजिए भैया, सटा दी, हाँ ये सटा दी। अब देखिए घंटी आपने बजाया, इनका बॉडी का ताकत कौन खींच गया? मोबाइल का टावर खींच गया। ये आप लोग आपके सामने देखिए, जैसे थोड़ा सा पीछे आप खेत में काम करते, खाना खा गया, खाना खा क्या खाया, क्या खाया, अच्छा खा गया, भूखा भी नहीं लगा, ताकत है अभी आपके अंदर, जितना लगाना है लगाए। देखिए सामने देखिए, खाली हमारे तरफ मत देखिए, उधर सामने पूरा टाइट है। अब हम आपको खींचेंगे, आपको ताकत लगाना है, देखिए मोबाइल क्या किया है इसको, देखिए सामने देखिए, ताकत जितना लगा सकते हैं भैया, जितना लगा सकते लगाइए ना भैया, अन्य झुकना नहीं है, खाली एक हाथ ऐसे कर लीजिए। ये सबसे तगड़ा पोजीशन है, इसमें किसी भी इंसान को गिरा नहीं सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे हो गया तो आदमी कम, आप यदि रोकना चाहेंगे ना तो ऐसे रुक जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं रुकेगा, ऐसे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा। तो इनको सटा दिए ऐसे, यहाँ पे कमजोर है, यहाँ पे ताकत। अब जरा से सुनिए, यहाँ पे खाली छोड़िएगा, मतलब हमारा पेट फट गया, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना, ऐसे ऐसे रखिए, ऐसे, हाँ इसमें चढ़ेंगे, इसमें हम चढ़ेंगे और अभी हाथ से चढ़ रहे हैं, बाद में लात से भी चढ़ेंगे, देखिए आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। और आज देखिए, आज इस चीज को जान के जाइए, हम आपको कुछ देने के लिए नहीं आए भैया कि हम आपको 10-20 रुपया दे देंगे, 10-20 हज़ार दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसा दे करके जा रहे हैं, आप यकीनन जिस प्रोडक्ट को आप हाथ लगा दीजिएगा आपका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा, तो ध्यान रखिए, बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक है। तो सामने देखिए, चलिए इतने ही करते हैं, झुक जाना है, ठीक है, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा करेंगे, पीछे करिए, पीछे नहीं आप रहिए मत, इसको पीछे की तरफ इसी तरफ फंसाइए, ठीक है, पैर सटाइए, सीधा रखिए, ठीक है, झुक जा रहे, चलिए अब छोड़ दीजिए, थोड़ा लंबा सांस लिए दो चार, क्या है इसमें? एलोवेरा, हिमालयन बेरी और श्री तुलसी, 5 बूंद हो, आधा ढक्कन ही है, जरा इसको पीजिए, अभी 2 घूंट पीजिए, उठा के पीजिए, दही में आराम से ठोक ठोक नींद में चबा, सुन जाने दीजिए, थोड़ा जाने दीजिए, देखिए अभी इनके अंदर में रेडिएशन था तो इनका ताकत कौन खींच लिया?
कौन खींच गया और लीजिए सर, और लीजिए घटेगा तो हम अपना बना के पीछे वाले से पीछे वाले यूं ही जाओ दो बार ले ली रख दीजिए दो तीन बार सांस लीजिए चला गया क्या चला गया ऑक्सीजन वाला चला गया विटामिन सी चला गया एलोवेरा चला गया जो पेट की सफाई किया जो हमने दिखाया इसमें क्या किया ये सफाई कर दिया और ये क्या किया समझूनी कुटू है जिसे लक्ष्मण जी को जिंदा किया था गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सर सी बकथॉर्न इसमें प्रधानमंत्री भी बहुत सारे स्पीच दिए हैं बाबा रामदेव भी दिए बहुत सारे लोग दिए हैं ठीक है अब जो ही चला गया इनके अंदर में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो गई है और ये लंबा सांस लेंगे मोबाइल का जो रेडिएशन था अब उस रेडिएशन को उसने हर लिया किसने हिमालयन फेरी एलोवेरा श्री तुलसी और जो ही हर लिया अब इनके अंदर वही शरीर है वही सब कुछ है अब जरा इनको ताकत लगा के देखते तैयार है आप बोले तैयार है कि नहीं कि थोड़ा सा सांस ले लीजिए तैयार है ट्राई करने के लिए ठीक है उधर रेडी ठीक है सब देख लिए क्या क्या हो कैसा लग रहा है ताकत लग रहा है अपने शरीर के ऊपर तो आजीवन कैंसर नहीं होगा आजीवन अल्सर नहीं होगा आजीवन कभी पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि बवासीर हो गया तो आप बताइए जिस गाड़ी को आप रखे मोटरसाइकिल हो कार हो हम क्या करते हैं डेली उसको पूछते हैं डेली धोते हैं जरा सा कुछ मीटर डेटा चलो यार सर्विसिंग सेंटर चलते हैं बड़ा शौक से नया नया गाड़ी नया नया बच्चा बड़ा सेवा हम करते हैं कि नहीं करते हैं गाड़ी बुढ़ा जाता है फिर छोड़ देते हैं बच्चे बड़े होते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर हम लोग भूल जाते हैं अब हम लोग के ऊपर लाइबिलिटी जा गया हम लोग दूसरे का ख्याल रखने लगे तो जब तक शरीर भगवान आपको जिंदा रखा है जब तक शरीर में श्वासें चल रही है हम आपको यही बोलेंगे 10 रुपये बॉडी में जाने दीजिए ये अनमोल रत्न को जिंदा और बिंदास रहने दीजिए क्योंकि जब इंसान कष्ट में रहता है तो सबसे ज्यादा दुखी उसका परिवार रहता है आप बीमार नहीं पड़ते आपके साथ परिवार बीमार पड़ता है आज हम सोचिए 300 किलोमीटर से चल के आए हैं 50 साल उम्र हो गया है आप लोगों से इतना बात कर रहे हैं सुबह में हल्का नाश्ता किए होंगे अभी यहाँ जो मिले वो खाएंगे और फिर रात में 12 बजे बिंदास रहेंगे अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो मेरा घर परिवार का क्या होगा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा सर ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे के लिए हम आए इतना दूर काम तो मेरा बहुत है आप दिखाएंगे आप लोगों को खोल करके ऐसा नहीं कि हम नहीं आएंगे तो मेरा इनकम नहीं होगा क्यों आए क्योंकि जब हमको अच्छा लग रहा है 50 साल की उम्र में भी जवान बरकरार है मोबाइल पाल बांका नहीं करता है जब एक साहब को हमसे उम्र में कम से कम 30 साल जरूर छोटे होंगे वो हमसे नहीं ये कर पाए आपने उनको नहीं हिला पाया तो क्या ये बात अपने दिल तक रखना चाहिए क्या इस बात पर दिल तक रखना चाहिए कि आपके सिर्फ पैसा मायने रखता है कि आपके लिए आपका परिवार मायने नहीं रखता है कि आप नहीं चाहते
क्या हमारी कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी कोई आर्थिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसा बने कि कोई 10 रुपया मांगे तो हम दे दे? ऐसा क्यों बने कि हम 10 रुपया के लिए लालायित रहे? तो आज हम यही बताने के लिए आए हैं, जो प्रोडक्ट पास 3 साल पहले मैंने अंदर जाने दिया, आज मैं जुबान से आप लोगों को बता रहा हूं, करके दिखाया, करके दिखाया। हो सकता है पौलुस जी राजनीति में बोले, वो पत्रिका भी रखे हुए हैं, पत्रिका रखे, कभी देखिएगा मौका मिलेगा। गाली दिया कर रहे थे लोग, एमबीबीएस डॉक्टर लोग गाली दे रहे थे, कौन डॉक्टर के चक्कर में पड़ गया, कौन आदमी चक्कर में पड़ गया, और पत्थरी निकल गया, वो जिंदा पत्थरी जिसको बोलते हैं पत्थर, वो पत्थर निकल गया तमड़ गोली। ये पावर है ये इसमें, तो ये मेडिसिन नहीं है, लेकिन मेडिसिन से कम भी नहीं है ये। मैंने बीमारी को तो ठीक करता ही है, प्लस बीमारी को आने ही नहीं देता है। चोर जब चोरी करेगा तब ना सजा मिलेगा, तो उससे मिलकर हमको क्या होगा? हम ऐसा दरवाजा तैयार कर ले कि चोर चोरी नहीं करे तो कैसा लगेगा सो बताइए। तो हम अपना कवच बना लेते हैं, हम इतना जंगल झाड़ सब जगह घूमते हैं, हर जगह खाते हैं, ये जब अंदर जाता है तो कोई भी तेल का छना हुआ मेरे बॉडी को कुछ कर सकता है? कोई भी नेटवर्क हमारे शरीर को हिला सकता है? तो यही पावर है इसका। तो कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो प्रोडक्ट को देखने बाद लग रहा है उनको कि हाँ सर हमको विश्वास हो गया, जरा हाथ उठाइए पक्का। एक फोटो खींचिए सर, एक फोटो खींचिए। जितने लोगों को विश्वास हुआ है उतने लोगों को